स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किडनी डाइट में, जहां हम आपको किडनी से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं। साथ ही हम हमेशा किडनी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और उसके आयुर्वेदिक उपचार के बारे में भी आपको बताते हैं। इतना ही नहीं, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको किडनी के मरीजों को सही आहार की जानकारी भी देते हैं। ऐसे ही आज हम आपसे दालचीनी के फायदों के बारे में बात करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि किडनी के लिए दालचीनी के क्या प्रभाव है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। बढ़ते अपने विषय की तरफ और बात करते हैं कि दालचीनी मानव शरीर के लिए कितनी जरूरी है। दालचीनी में कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और दालचीनी सेहत से भरपूर होती है। दालचीनी एक अच्छी औषधि के रूप में मानी जाती है। अगर दालचीनी को दूध में मिलाकर पिया जाए तो इसका फायदा दोगुना बढ़ जाता है। दालचीनी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फरस, पोटेशियम, सोडियम, मैंगनीज और सेलेनियम जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसका सेवन शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। साथ ही ये शरीर में होने वाली कई बीमारियों से आपको बचाता है। दालचीनी का सेवन आपके पाचन संबंधी समस्या को दूर करने में मदद करता है। साथ ही इसका सेवन किडनी रोग से भी आपको बचाता है। जिनकी किडनी में खराबी है उन्हें इसका सेवन करना हानिकारक हो सकता है। इसमें प्रोटीन और फॉस्फरस पाए जाते हैं जो किडनी के लिए हानिकारक होते हैं। इसका सेवन किडनी के मरीजों को वर्जित होता है, लेकिन बात अगर स्वस्थ किडनी की करें तो इसका सेवन किडनी को स्वस्थ रखता है। दालचीनी का सेवन किडनी को सही तरह से डिटॉक्स करता है, जिससे किडनी अंदर से साफ रहती है। जब किडनी सही तरह से डिटॉक्स होती है तो मानव शरीर स्वस्थ रहता है। बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ और जानते हैं दालचीनी के कुछ फायदों के बारे में। दालचीनी का पहला फायदा है कि ये यूरिन से जुड़ी समस्या को दूर करता है। दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं जो शरीर की गंदगी को साफ करके उसको यूरिन के माध्यम से बाहर करने का काम करते हैं। इससे यूरिन सही तरह से रिलीज होता है और यूरिन से जुड़ी समस्या नहीं होती। दालचीनी का सेवन आपको डायबिटीज के खतरे से भी दूर रखता है। दालचीनी का सेवन आपके ब्लड में शुगर के स्तर को सामान्य रखता है। अगर आप दालचीनी का सेवन करते हैं तो इसके एंटी डायबिटिक गुण आपको डायबिटीज की समस्या से दूर रखते हैं। इससे आपको शरीर में कोई समस्या नहीं होती। साथ ही इसमें पाए जाने वाले पॉलीफेनॉल्स शरीर में शुगर के स्तर को कम करके इंसुलिन को सही मात्रा में बनाए रखते हैं। जब आप डायबिटीज के खतरे से दूर रहते हैं तो इससे आपकी किडनी के काम में कोई रुकावट नहीं आती और किडनी स्वस्थ रहती है। इसका अगला फायदा है कि ये हार्ट को स्वस्थ रखने में मदद करता है। दालचीनी में पाए जाने वाले सिनेमल्टीहाइड और सिनेमिक एसिड हार्ट की तकलीफ को दूर रखते हैं। साथ ही इसका सेवन शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है। इससे ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है और आप किडनी प्रॉब्लम से बचे रहते हैं। इतना ही नहीं, दालचीनी का सेवन आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से भी दूर रखता है। दालचीनी का नियमित सेवन शरीर में कैंसर सेल्स को बढ़ने नहीं देता। दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो शरीर में कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करते हैं। इससे कैंसर की कोशिका नष्ट होती है और आप कैंसर से दूर रहते हैं। अगर आप नियमित मात्रा में दालचीनी को अपने आहार में शामिल करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है। साथ ही ये पेट में होने वाले इन्फेक्शन को भी दूर रखता है। दालचीनी का सेवन प्राकृतिक रूप से आपके वजन को कम करने का एक बेहतर उपाय है। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए दालचीनी काफी फायदेमंद है। जिन लोगों को नींद ना आने की समस्या होती है उनके लिए दालचीनी एक अच्छा और बेहतर उपाय है। ऐसे लोगों को दालचीनी का सेवन दूध में मिलाकर करना चाहिए। दालचीनी के फायदों में एक फायदा ये भी है कि ये फंगल इन्फेक्शन को कम करने में सहायक है। दालचीनी में एंटी फंगल गुण होते हैं जो फंगल संक्रमण से शरीर को बचाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को त्वचा में कोई भी तकलीफ है उनके लिए दालचीनी एक अच्छा विकल्प है। दालचीनी का सेवन ब्लड को साफ रखता है, जिससे त्वचा की कोई समस्या नहीं होती और किडनी स्वस्थ रहती है। जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ है उन्हें दालचीनी का सेवन करना चाहिए, ये उनके लिए लाभदायक होता है। सांस में तकलीफ की समस्या को ब्रोंकाइटिस रोग कहा जाता है, जो फेफड़ों के अंदर मौजूद सांस नली में सूजन और इन्फेक्शन की वजह से होता है। इस बीमारी में सांस लेने में तकलीफ और सीने में जलन जैसी प्रॉब्लम होती है। इससे बचने के लिए दालचीनी एक प्राकृतिक इलाज है जिसका शरीर में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो ये है दालचीनी के कुछ फायदे जो शरीर को कई बीमारियों से दूर रखते हैं। इसका सेवन किडनी के मरीजों को वर्जित होता है। आप अपनी डाइट में दालचीनी को शामिल कर सकते हैं, इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। साथ ही आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए अपने जीवन में योग और कर्मा आयुर्वेदा को भी शामिल कर सकते हैं।
जिन लोगों को किडनी में कोई भी समस्या है वो अपने जीवन में आयुर्वेदिक उपचार को शामिल कर सकते हैं। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी की सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा का उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। यहाँ आपको सफल इलाज के साथ साथ बेहतर आहार की जानकारी भी दी जाती है जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने विचार और सुझाव भी आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तो ये थी जानकारी दालचीनी के बारे में। अगर आप हमसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हम फिर हाजिर होंगे एक और नए विषय के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। दोस्तों आज हमारे साथ एक पेशेंट और जुड़े हैं जिनका नाम है खुशेश्वर सिंह। खुशेश्वर सिंह देवगन झारखंड। झारखंड जी, जब आए थे क्या क्या दिक्कत आ रही थी आपको खुशेश्वर? आए थे उस समय भूख नहीं लगता था बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब से दिखाए तो किडनी चेक किया गया तो 5.8 निकला। उसके बाद तब मतलब की टीवी पर प्रचार सर का देखे तो हम आके यहाँ आपसे मिले देवघर झारखंड से। इंस्पेक्टर से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अच्छा, ये पुलिस इंस्पेक्टर से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अच्छा, उसके बाद में तब डॉक्टर साहब से आपसे मिले हैं सर, तो 3 महीने का दवा यहाँ से मिला, परहेज भी किए और दवा भी खाए, तो 3 महीने के बाद जब मैं चेक कराया तो 3.6 पहले कितना 5.8 से 3.6 आ गया। काफी अच्छा रिड्यूस हुआ है, बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं।